वेल बिग बॉस सीज़न 16 की बात करें तो इस सीज़न को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं जिसके बाद सीजन की शुरुआत हो रही है सलमान खान ग्रैंड ओपनिंग करने वाले हैं ग्रैंड प्रीमियर होने वाला है एक और दो अक्टूबर को जहाँ पे हमें कंटेस्टेंट्स फाइनली कौन है वो दिखाई देंगे जनवरी में ये शो एंड हुआ था तीस जनवरी और अब फाइनली इतने महीनों के इंतज़ार के बाद बिग बॉस का सोलहवा सीज़न दस्तक देता हुआ नज़र आ रहा है वेल well, इंतज़ार तो उस बात का है जब बिग बॉस के ग्रैंड प्रीमियर के कुछ ही दिन पहले हमें जो हर सीजन हिंट वाले प्रोमोज जो है वो देखने मिलते हैं देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इस साल बिग बॉस में आखिर कौन आने वाला है दिस इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इंटरेस्टिंग काफ़ी फन चीज़ होने वाली है टू गेस कि कौन कौन आ रहा है एंड ऑफकोर्स सीजन जब शुरू होगा तब तो मतलब हर एक जन अपना अपना फेवरेट कंटेस्टेंट uh, चूज़ कर लेगा uh, और उनका साथ देगा एंड तक सो so यस yes, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तूफान और तहलका मचने वाला है बिग बॉस के शुरू होने के बाद सैटरडे संडे साढ़े नौ बजे ग्रैंड प्रीमियर उसके बाद वीकेंड का बार भी होने वाला है सेम टाइम पे एंड uh, बात करें मेन एपिसोड की मंडे टू फ्राइडे रात के दस बजे सो so, यस yes, एक अक्टूबर से ऑलमोस्ट सभी जन जो बिग बॉस को फॉलो करते हैं कंप्लीटली तैयार हैं अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट uh, को देखने के लिए और ऐसे में आपको बता दें रियलिटी शोज़ के भी कई सारे कंटेस्टेंट्स जो होते हैं वो हमें हर साल बिग बॉस में देखने मिलते ही मिलते हैं सो so, इस बार रियलिटी शो का कौन सा स्टार आने वाला है या कौन सा कंटेस्टेंट uh, आने वाला है चलिए आपको बताते हैं ये रोडीज़ के विनर रह है चुके हैं लेट मी टेल यू गाइज अबाउट हिम आप देख रहे हैं फीफा फूज में हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त पेदांगी करने। वेल well, पहले तो ये थे प्रिंस नरूला के गैंग में जिन्होंने बिग बॉस जीता हुआ है बिग बॉस के ही विनर है लेकिन उसके बाद जो है उनकी राइवलरी थी नेहा धूपिया के साथ और नेहा धूपिया ने क्या किया कि uh, एक मौका उन्हें मिला कि वो किसी कंटेस्टेंट को ट्रेड करे और अपनी तरफ यू you नो know, किसी और टीम का ले ले तो व्हाट शी डिड वाज़ बिकॉज उन्हें खुंदक थी ऑन प्रिंस तो उन्होंने प्रिंस के ही टीम में से कशिश को ले लिया जी हाँ आपने सही गैस किया बात करी मैं कशिश ठाकुर की uh, ये रोडीज़ के विनर रह है चुके हैं एक सीजन के तो uh, नेहा धूपिया ने उन्हें प्रिंस की टीम से ले लिया स्टार्टिंग में ही वॉज वेरी वेरी हेजिटेंट हेजिटेंट परफॉर्म करने के लिए नेहा के साथ ही वॉज वेरी मच क्लियर कि आपने यू you नो know, जान बूझ के हमें अलग किया है एंड एवरीथिंग सो उनका कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन जो था uh, उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट जो थी विथ प्रिंस वो दिखाई दे रही थी लेकिन फिर भी उन्होंने परफॉर्म किया और नेहा धूपिया को सीजन जतवाने में भी मदद की सो ही इज़ नॉट ओनली अ ग्रेट परफॉर्मर बिकॉज ऑफकोर्स उन्होंने यू नो रोडीज़ का सीजन जीता था एंड प्रिंस uh, के लिए इतने इंपॉर्टेंट कंटेस्टेंट थे वो फिर नेहा धूपिया ने भी देखा कि ही वॉज अ ग्रेट कंटेस्टेंट तो उन्हें अपने टीम में ले लिया सो येस टास्क में अगर कशिश आए तो वो फाड़ देंगे इसमें कोई दो राय नहीं है सेकेंडली Uh, उनका एक इमोशनल अटैचमेंट भी है और वो जिन्हें पसंद करते हैं उनके साथ हमेशा रहते हैं उनका साथ हमेशा देते हैं विच इज़ अगेन अ ग्रेट क्वालिटी फॉर बिग बॉस का घर सो so, अगर ये बिग बॉस के घर के अंदर आए सो so डेफिनेटली ये दो क्वालिटीज़ उन्हें काफ़ी आगे तक लेके जाएंगी पहले भी उन्हें रियलिटी शो करने की यू नो you know, एक आदत सी है या एक बड़ा एक्सपीरियंस है रोडीज जैसा शो करने के बाद एंड उतना ही नहीं शो जीतने का भी सो कहीं ना कहीं ही इज गोइंग टू बी अ बिग कंटेस्टेंट जिनको टक्कर देना आसान नहीं होने वाला है कई सारे लोगों के लिए क्या आप कशिश ठाकुर को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स क्योंकि उनका नाम ऑलमोस्ट कन्फर्म बताया जा रहा है एंड नाइन्टी नाइन उनकी एंट्री जो है <coughs> बिग बॉस सोलह में होने वाली है लेट मी नो यॉट्स इन द कॉमेंट्स